हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या को 16 गुने गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व परिधि की कितने गुना बढ़ जाएगी? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, टू पाई आर। तो वृत्त की त्रिज्या आर को अपन अगर 16 आर कर देंगे तो 2 × π × r की जगह 16 आर, तो 2 π r तो कॉमन रहेगा, तो ये 16 गुना बढ़ जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में कितना गुनी? 3 गुनी। तो यहाँ कितने वर्ष में अपनी राशि की 81 गुना हो जाएगी? 81 गुना, तो 3 की घात कितनी है? 4। तो जितनी घात रहती है उतनी घात से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4, 16 वर्ष में 81 गुना। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, हमिद कलमेट और घोष का वेतन 3:5:7 में है। हमिद कलमेट और घोष का वेतन 3:5:7 में है। यश को हमीद से 865 रुपये अधिक मिलता है, 865 रुपया यश को हमीद से, और अनुपात में कितना मिल रहा है? 4:4। तो कलमेट का वेतन हो जाएगा 5। तो ये 5×25, 2×5=30 और 2×32 का 2 हासिल की 3, 5×8=40, 40 और 3=43, 43 में इस 4325 में 4 का भाग देंगे, 4×1=4 भाग नहीं जा रहा, 4×8=32, 4×4.25, 1081.25। आगे देखें स्टूडेंट्स, सरल करो, 225 का स्क्वायर इंटू 60/15 का स्क्वायर, 15^5 इंटू 1021, तो 225 का स्क्वायर हो जाएगा 225 × 60 15^5, तो 15 × 1021, तो 15 का स्क्वायर 225, 15 से 4 बार, 1021 इंटू 4 हो जाएगा 4084। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब निकल गया। कुल उत्पाद कितना था? 100%, 100% में से 13% खराब निकल गया, तो सही कितना है? 87। यदि सही उत्पादों की संख्या 4698/87, तो खराब उत्पादों की संख्या 13, खराब उत्पादों की संख्या तो ये चला जाएगा इससे 8×5, 8×7, 7×28, 54, 54 × 13 हो जाएगा 702। आगे देखें स्टूडेंट, छठवा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 423 में बेचने पर उसी वस्तु को 743 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% हानि होती है, 60% हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि बटा लाभ इंटू 100, हानि बटा लाभ इंटू 100 बराबर 60, ये हो जाएगा अक्स माइनस 423 बटा 743 बटा 743 माइनस अक्स इंटू 100 बराबर
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 5x माइनस 2115 बराबर 2229 माइनस 3x, ये हो जाएगा 5 और 3 8x बराबर, ये इससे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4344 अक्स बराबर 4344 भाग 8, 8 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 543। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संभव त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 12 किलोमीटर प्रति आवर, 14 किलोमीटर प्रति आवर और 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा करता है, उसको औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति हो जाएगी, पूरी गति हो जाएगी 3d बटा 12 प्लस डी बटा 14 प्लस डी बटा 6, तो 3d इंटू 14, 12 और 6 का एलसीएम 84 चला जाएगा ऊपर, इधर आ जाएगा 12, 12 * 84 60d प्लस 6d प्लस 14d, ये हो जाएगा ऊपर 3d इंटू 84 बटा 27d, ये इससे चला जाएगा 9 बार, 84 भाग 9 जाएगा 9.33 kmph। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, शिला अपनी सामान्य गति की 17/18 से गति से चलकर एक निश्चित दूरी में लगने वाले समय से 5 मिनट अधिक समय तय कर पाती है, पहले 17 से चलती थी फिर वह 18 से चलने लगी, तो अनुपात का 1:5 तो सामान्य समय, तो 17 × 5 = 85 मिनट। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 53 सेकंड का समय लेती है, यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई 238 मीटर लंबे पुल को कितना, 53 सेकंड माइनस 19 सेकंड, 53 में से 19 चला जाएगा तो 34, 238 भाग 34 × 19, 34 × 19 ये हो जाएगा 34 से 7 बार, 19 × 7 = 133 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, समान राशि समान ब्याज दर पर दो वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 64 है, यदि ब्याज की दर 4% है तो SI सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दो वर्ष का 8% और CI हो जाएगा 8.16%, अंतर कितना है 64% में कितने का 0.16 का × 100 पॉइंट जाएगा और स्वाद आएगा 16 से 4 बार, राशि हो जाएगी 40,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, एक बॉक्स में रखे 65 नोटबुकों का औसत भार 6.5 kg है, तो 65 × 6.5 kg, तो 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4225 होता है, तो पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 4222.5 एक, तो ये हो जाएगा 66 पुस्तकों का 6.6, तो 66 को 66 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 435.6, इसमें से ये घटाने पर आएगा 13.1, तो 13.1 जो एक नोटबुक और जुड़ी उसका 13.1। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, विमल फ्रेंच में 80 में से कितने अंक 42, अंग्रेजी में 100 में से 88, स्पेनिश में 70 में से 40 और जापानीज में 50 में से
तो कुल उसका कुल पूर्णांक कितना हो गया, 8 और 7 15, 300। और उसके कितने अंक मिले, 8 और 2 10 का 0, हासिल की 1। 4 4 2 8, 4 3 12, 12 8 20 21, 210। 210 अंक मिले, पूरा पूर्णांक कितना था, 300 × 100, 2 0 से 2 0, 3 से 70%। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्ती 8881 और महत्तम समापवर्ती 1 हो। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो ये जाएगी इन संख्याओं का गुणनफल, एल सी एम कितना है, 8881 इंटू 1 बराबर 8881। आगे देखें स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1225 सेंटीमीटर है, तो ए स्क्वायर बराबर 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा 35। तो एक वर्गाकार मेज, एक भुजा की एक वर्गाकार मेज पे रखा गया है जिसकी चौड़ाई दोनों साइड 9 है, इस साइड भी, तो ऐसा हो जाएगा एक वर्ग का टुकड़ा, तो ये हो जाएगा 35, इधर हो जाएगा 9 9, तो 35 + 9 × 18, 35 और 18, 35 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक क्रय मूल्य में 43% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 43% की छूट देता है, होने वाले लाभ और हानि, होने वाले लाभ और हानि, हानि होगी कितने की, 43 की, तो 43% का लाभ माइनस 43% की हानि माइनस 43 × 43/100, तो ये इससे चला जाएगा माइनस में आएगा, 43 को 43 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1849 भाग, तो हो जाएगा -18.49% की हानि। आगे देखे स्टूडेंट्स, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2663 में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, 12.5 बराबर होता है 1/8, तो 8 से कितने में बेच रहा है, 9 में, 2673/9 इंटू वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 8 का आधा 1/2, तो ये चला जाएगा इससे 4 बार, 9 से 9 × 18 8 9 9 81 9 97 63 297 × 4, 297 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1188। आगे देखें स्टूडेंट, 17वां क्वेश्चन, 7008% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए, यदि 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया तो शेष बची राशि कितनी होगी, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, 2 0 से 2 0, 8 × 40 × 7, 7 × 28, 2800 रुपये, ये तो हो जाएगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो हो जाएगा उसका साधारण ब्याज और मूलधन हो जाएगा 7000, तो ये हो जाएगा 9800 की आधी राशि, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4900। आगे देखें स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन, 63 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, मिल्क और वाटर, 63 अनुपातों का योग 3 और 4 7, तो ये हो जाएगा 9 9 27 और 9 4 36, यह अनुपात बदलकर 3.5, तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी, तो 27/3 × 5, तो 9 9 5 45, 36 से 45 9 kg पानी मिलाया है। आगे देखें स्टूडेंट्स, 2/5 अक्ष और
3/10 अक्स माइनस 3/5 अक्स बराबर 4, 7, 9 तो हो जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 10, 10 लघुत्तम आ जाएगा 10, ये उधर ये साइड हो जाएगा 4 अक्स प्लस 3 अक्स माइनस माइनस 6 अक्स बराबर 487 तो हो जाएगा 4 अक्स प्लस 3 अक्स माइनस 6 अक्स बराबर 4790 अक्स बराबर 4790। आगे देखे स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में पुराने सिक्के हैं, 3, 5 और 7, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये हो गया, 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 35 रुपये हो गया, 10 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 70 रुपया हो गया, 70 और 30 100, 70 और 30 100 ये हो जाएगा 3, 98 तो पूरा कितना है 392/98 ये चला जाएगा 4 से 4 तो 10 रुपये के सिक्के कितने थे 7 और 7 × 4 = 28। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति गति की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल में कॉलेज 3 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से साइकिल चलाता है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी, x × y / x − y × समय का अंतर, तो अक्स कितना है 15 × y हो जाएगा 20, 15 में से 15 चला जाएगा 5, समय का अंतर हो जाएगा 6 और पूरा समय कितना है 60, ये चला जाएगा इससे 10 बार, 0 से 0, 5 से 3 बार, 6 किलोमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, 23√3 सेंटीमीटर विकिरण वाले घन को पिघलाकर, तो विकिरण का मान होता है a√3, तो ये हो जाएगा 23√3, a बराबर रूट तीन से रूट तीन चला जाएगा, a बराबर 23, तो घन का आयतन होता है a³ बराबर घनाभ का आयतन होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, तो हो जाएगा 23 × 23 × 23 बराबर, उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई उसकी भुजा के बराबर, लंबाई हो जाएगी उसकी 23 और चौड़ाई हो जाएगी 11.5 और ऊंचाई 23 से 23 11.5 से 2 बार, तो h बराबर 46 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, अक्ष संख्या को 119 से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है 13, तो संख्या हो जाएगी 119 और 13 132, तो उस संख्या को अक्ष को 132 को 17 से विभाजित करने पर 132 को 17 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा 13 शेष बचेगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, पहली 4 का औसत भार 51, तो 4 × 51 बराबर हो जाएगा 204, तब बाकी 6 का औसत भार 52, 6 × 52, 6 × 12 का 2 हासिल की 1, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, 312 + 204, 4 × 2 = 6, 1 = 3, 5, 516/10 तो हो जाएगा 51.6 ग्राम। आगे देखें स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, सरल करो 13.57 + 12.35 + 13.67 - 24.87, तो इसको प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 13.57 12.35
और 13.67, तो 7 × 2 = 14 और 5 × 19 का 9 हासिल की 1, 6 × 2 = 12 और 3 × 15 = 5 हासिल की 1, 3 × 3 = 9 और 3 39.49। 39.49 में से अपन इसका जाएगा 24.87, 9 में से 7 चला गया 2, इधर 15 15 में से 8 चला गया 7, 8 8 में से 4 चला गया 4, 1 14.75, 14.72 बराबर 3 × अक्ष, तो अक्ष 14.72/3, तो 3 से जाएगा 4.2, 9 27 और 7 21, 4.97। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 26वां क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 7% बढ़ाने पर 100 से कितना करना है, 107, और चौड़ाई 3% घटाने पर 100 से 97, तो ये हो जाएगा इधर 10,000, और 107 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, 107 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, 107 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, 749 × 9 = 63, ये हो जाएगा 9 7 12 13 को 1 हासिल किया, 9 और 1 = 10, 9 और 1 = 10, 10,379, तो कितना अधिक हो गया, 379/10,000 × 100, 20 से 20 छोड़ गए ये पॉइंट, 3.79% का इसका लाभ। आगे देखे स्टूडेंट्स, 27वां क्वेश्चन, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, √225/15, 225 का मान होता है 15/15, 15/15 प्लस 256 होता है 16 का बराबर 1 × अक्ष, तो ये हो जाएगा 1, 16 × 1 = 17 बराबर अक्ष, अक्ष बराबर 17। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।